बुलंदशहर में इनामी कंपनी का नकली माल बेचने की शिकायत पर सिकंदराबाद पहुंची कंपनी की जांच टीम ने मय पुलिस के साथ छापेमारी कर कई दुकानों से नकली नमक बरामद किया है। कंपनी की जांच टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की और पुलिस की मदद से सिकंदराबाद स्थित दुकानों पर छापेमारी कर अलग अलग दुकानों से 3 बोरे टाटा कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा नकली नमक बरामद किया है। जानकारी में सामने आया कि सिकंदराबाद के ये दुकानदार टाटा कंपनी की मार्का पैकिंग कर असली जैसा दिखने वाला नकली नमक बेच रहे थे। पुलिस ने तीनों दुकानदारों के खिलाफ नकली माल बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि तीनों दुकानों से बरामद हुआ नकली नमक भी पुलिस ने सील कर दिया है। फिलहाल टाटा कंपनी की टीम की शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।